नमस्कार, रंग तरंग के इस खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास इसलिए क्योंकि आज हमने कोशिश की है आपको कैनवस की दुनिया के इन कला साधकों से मिलवाने की, जो रंगों की एक ऐसी दुनिया बसाते हैं कि वाकई आप खुद को उसमें डूबा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही आज के रंग तरंग में मुलाकात होगी हमारे खास मेहमान से, जो भारतीय कला संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर आज भारतीय कला संस्कृति और संगीत कलाओं को देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और भी होगा बहुत कुछ, देर कैसे शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। कैनवस की दुनिया में जब भी हम आपको लेके जाते हैं रंगों की दुनिया में, तो आपके जहन में ढेर सारे रंग आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि काला रंग भी आपको अपनी अंतर मन की गहराइयों में झांकने में मदद कर सकता है, एक माध्यम बन सकता है? आइए कोशिश करते हैं, आपको ले चलते हैं उभरती कलाकार तवलीन लाल की प्रदर्शनी द सेंट्रिक ब्लैक, जिसमें उन्होंने काले रंग के जरिए अपने अनुभवों को, अपनी जीवन यात्रा को दर्शकों के सामने पेश किया। गहरा काला रंग, काले रंग की गहराई को इतनी खूबसूरती से कैनवस पर दर्शाना, ये है युवा कलाकार तवलीन लाल की प्रदर्शनी सेंट्रिक ब्लैक। आर्टिस्ट के बोल्ड रंगों के चुनाव ने इस प्रदर्शनी को बहुत अलग बना दिया है। काले और विभिन्न रंगों का मेल, विभिन्न प्रकार की रेखाओं और आकृतियों का सिंक्रोनाइजेशन हर कैनवस को अलग बनाता है। तो सेंट्रिक ब्लैक इसलिए है क्योंकि एज यू कैन सी यहाँ सारा कुछ डार्क थीम में है, बट सेंट्रिक इसलिए है क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो ब्लैक जो है इम्पॉर्टेंट है, उसको माना जाता है कि बहुत डल है, उसमें कुछ मीनिंग है बट वो क्लियर नहीं होता। सो मैंने ये समझा कि ब्लैक में एक गहराई है और उसमें मिस्ट्री है। सो आर्ट में हम उसको, जैसे मेरा काम एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें हम जर्नी कर सकते हैं अंदर, और मेरे पुराने कुछ ड्राइंग्स अगर देखेंगे तो उसमें ब्लैक कहीं जगह है जो पूरी तरह एम्बॉडी कर लेता है काम को। सो आई न्यू लेटर ऑन ये ब्लैक पूरा कंपनी कर लेगा मेरे काम को और पूरी तरह कंज्यूम कर लेगा सारे फॉर्म्स को जो मैं डालती हूँ। सो ब्लैक एक ऐसी चीज़ है जो स्पिरिचुअली जो अगर हम देख रहे हैं, हम आँखें बंद करते हैं हम ब्लैक ही देखते हैं सबसे ज़्यादा, हम मेडिटेशन करते हैं हमें ब्लैक दिखता है, और उस ब्लैक के थ्रू ही जर्नी करके हमें लाइट दिखनी शुरू होती है। सो इस थीम में वही कहने की कोशिश है कि जो ब्लैक है वो हमारे अंदर का ब्लैक है, उसी में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तवलीन की यात्रा, उनके और उनके चित्रों के बीच के गहरे संबंधों को इस प्रदर्शनी में बखूबी दर्शाया गया है। अपनी कलात्मक खोज में भारत और विदेशों में कई एकल और समूह प्रदर्शनियों का हिस्सा रही तवलीन, अपने काम में अधिक सहज और अभिव्यक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए लगातार अपनी कला को निखार रही हैं। प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक के साथ तवलीन अपनी आंतरिक दुनिया की गहराई को प्रकट करती हैं। बहुत ही कम उम्र में, बहुत यंग उभरती हुई कलाकार है, उसने ब्लैक को जाना ही नहीं, उस गहराइयों में जाके फॉर्म और कलर के साथ जो प्ले किया है वो बहुत ही प्रदर्शनी में बहुत ही उभर के, जो ब्लैक जो उनका सेंटर जो सेंट्रिक ब्लैक है वो बहुत उभर के उसकी जो थीम है बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही दर्शकों को कल्पना की गहरी यात्रा में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित करती हैं। मुझे बहुत अलग सा लगा यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे जो है पेंटिंग का थीम ही ब्लैक है, और मैं थोड़ा सा और पेंटिंग्स के, मुझे अच्छा लगता है हमेशा पेंटिंग्स देखनी, बहुत अच्छी लगती है। ये प्रदर्शनी दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या काला रंग गहन भावनाओं, आत्मनिरीक्षण करने का एक माध्यम साबित हो सकता है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं 19वीं सदी में, जब पूरे विश्व में टाइपोग्राफिक टेक्निक काफी अमल में लाई जा रही थी, लेकिन उस समय भारत में लिथोग्राफिक प्रिंट टेक्निक को लोकप्रियता मिल रही थी। किस तरह से उस वक्त के प्रिंट मेकर्स, कलाकार काम कर रहे थे, आप देख सकते हैं आज 2024 में राजधानी दिल्ली में लगी एक बेहद दुर्लभ प्रदर्शनी में।
द आर्ट ऑफ प्रिंट मेकिंग, उस समय के दुर्लभ प्रिंट्स को उनके ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर रीस्टोर कर प्रदर्शित किया गया है। यानी कि ये प्रिंट्स पूरे 100 साल की 19वीं सदी की कहानी कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। सर जेम्स नाथिन्याल भारत में लिथोग्राफी लाए। वे स्कॉटलैंड से कलकत्ता तक अपने साथ एक लिथोग्राफिक प्रेस लेकर आए और उन्होंने सुझाव दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक आधिकारिक लिथोग्राफ प्रेस स्थापित करे। धीरे धीरे लिथोग्राफी कलकत्ता से भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई और प्रिंटिंग का सबसे लोकप्रिय तरीका बन गया, जिसने बड़े पैमाने पर हाथ से लिखी हुई पुस्तकों का स्थान ले लिया। कुछ साल बाद त्रावणकोर के दीवान राजा सर तंजोर माधव राव ने कलाकार राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियों को ओलियोग्राफिंग के लिए यूरोप भेजने का सुझाव दिया। रवि वर्मा ने अपने स्वयं की एक प्रेस की स्थापना करने की सोची। ये प्रदर्शनी है द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग। एक विजुअल नैरेटिव ये प्रदर्शनी प्रस्तुत करती है ऑथेंटिक इंडियन आर्ट प्रिंटिंग, उससे जुड़े कलाकारों की, उनके आर्टिफैक्ट से और उनके किए गए काम पर। इस वक्त आप देख सकते हैं इस प्रदर्शनी में पूरी एक सदी की एक झलक पेश की गई है। कई ऐसे ये जो आर्ट प्रिंट्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं, यानी कि वो एक एंटीक बन चुके हैं। 19वीं सदी के ये आर्ट प्रिंट्स हैं जिन्हें यहाँ पर पूरी तरह से रिस्टोर किया गया है और इन्हें यहाँ प्रदर्शित किया गया है। 19वीं सदी के सबसे ज़्यादा अगर हम कमर्शली सक्सेसफुल लोकप्रिय आर्टिस्ट की बात करें तो राजा रवि वर्मा के आर्ट वर्क्स को, उनके प्रिंट्स को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ जो तकनीक का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता था उसे भी यहाँ पर पूरी तरह से रिस्टोर करके किया गया है। लेकिन खास बात यह कि कई जो फ्रेम्स हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में हैं, यानी कि वो पूरी तरह से एंटीक है। 1894 में बॉम्बे में रवि वर्मा ने लिथोग्राफिक प्रेस की शुरुआत की। 1930 और 1940 के दशक के दौरान प्रिंट मेकिंग में अत्यधिक रुचि रखने के लिए भारतीय कलाकारों में राम किंकर बैज, मणिन्द्र भूषण गुप्ता, रामेंद्र नाथ चक्रवर्ती, विनोद बिहारी मुखर्जी और विश्वरूप बोस गिने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न लिथोग्राफी तकनीकों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया, जिसे कई इटैलिकियों और रिलीफ प्रिंट तैयार हुए। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इस प्रदर्शनी में 19वीं सदी के महान कलाकारों की उन कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इनमें से कई कलाकृतियां लगभग 100 साल पुरानी है। प्रिंटिंग में भारत के इतिहास के एक बेहद दुर्लभ पन्ने को ये प्रदर्शनी बेहद खूबसूरती से प्रदर्शित कर रही है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज। आइए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के विजुअल आर्ट गैलरी, जहां पर प्रदर्शनी शाश्वत का आयोजन किया गया। इस वार्षिक कला प्रदर्शनी में स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, देशभर से कलाकार जुटे, अपनी कला के बेहतरीन नमूनों को दर्शकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। माई सीरीज ऑन वाटर कलर्स, जहाँ की मैं सेम पैलेट यूज़ करती हूँ सारे अपने कामों के लिए, जो भी वर्क्स किए हुए हैं मैंने। एंड इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ कूल एंड वार्म कलर्स, एंड आई हैव द स्टाइल विच कम्स टू मी ऑन माई ओन। लाइक क्रिटिक्स डू फील दैट इट इज़ यू नो क्यूबिस्ट स्टाइल और यू नो whatever they think, you know, but I think this comes to me on my own when I look at the nature and I present it with these colors. I break the whole work into these combination of cool and warm colors. These are barks of the jackfruit trees, and I have hung them like hides. Okay, so it is basically you find this in the butchers do hang hides in the same way. For me, it is you know, a metaphor relating to, you know, butchering the trees, where I am a nature artist and I really value the trees in my life.
रिफ्लेक्शंस रिफ्रैक्शंस, एक बेहद खास प्रदर्शनी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर कलाकार ने प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को बहुत ही खूबसूरती से कैनवस पर उतारा है। उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड की गर्मी है और उसके बीच अगर आप इस प्रदर्शनी में आकर इन कैनवस पर नज़र डालेंगे तो आपको एक अजीब सा सुकून का एहसास होगा। बहुत ही कूल और वार्म वाटर कलर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है और लगातार जो इंसान मनुष्य प्रकृति का दोहन कर रहा है उस पर यहाँ पर आर्टिस्ट डॉली ढिल्लन ने बहुत ही शानदार तरीके से एक कटाक्ष किया है। इस वक्त यहाँ पर इस इंस्टॉलेशन को आप देख सकते हैं, ये कटहल के पेड़ की छाल है, यानी कि जैकफ्रूट के ट्री की छाल है, जिस पर डॉली ने अपनी कविताओं को भी यहाँ पर उकेरा है और सोने की रंग में एक पत्ती को यहाँ पर फ्रोज किया है। वो कहना चाहती है कि जिस तरह से आप अपने सोने को संभाल कर रखते हैं कि आप प्रकृति या पेड़ों को, उसी तरह से हमें संभाल कर नहीं रखना चाहिए। प्रकृति के दोहन को लेकर लगातार जिस तरह के विनाशकारी परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या कब इंसान मनुष्य उससे सबक लेकर इनके संरक्षण के लिए और प्रकृति को और ज़्यादा संरक्षित करने में अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से निभाता नजर आएगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली के विजुअल आर्ट गैलरी, जहां पर प्रदर्शनी शाश्वत का आयोजन किया गया। इस वार्षिक कला प्रदर्शनी में स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, देशभर से कलाकार जुटे, अपनी कला के बेहतरीन नमूनों को दर्शकों के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। चित्रकारी का महत्व इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखता है। चित्रकारी हमेशा ही से हमारी संस्कृति और समाज का आईना होती है, साथ ही समाज के उतार चढ़ाव का भी चित्रकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है। या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चित्रकारी एक तस्वीरी जबान है जो हर दौर में बोली जाती रही है। एक ही छत के नीचे कई चित्रकारों का मेला, कई राज्यों से चित्रकार आए, अपनी अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को कैनवस पर उतार दिया। कोई कलाकार परिवार की बात करता है, कोई नारी शक्ति की बात करता है और कोई ये बताने की कोशिश करता है कि भगवान के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक ऐसी ही सुंदर चित्र प्रदर्शनी दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी यानी आईफेक्स में आयोजित की गई, जिसमें चित्रकार ने जीवन के हर पहलू को दिखाने की कोशिश की है। अपनी जो पेंटिंग बनाई है, ये बनाई है द्रौपदी पर। द्रौपदी यानी कि भगवान की परम प्रिय मित्र थी, और जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया, जब उनका चीरहरण हो रहा था, बड़े बड़े योद्धा और बहुत बड़े धनुषधर तक के जैसे अर्जुन, वो भी उनकी मदद नहीं कर पाए। यानी कि इसका एक श्लोक के ऊपर मैंने किया है, जो है, संगी साथी चल गए सारे, निभियो ना कोई साथ, विपत्ति में प्रभु एक ही, एक एक रघुनाथ। यानी कि रघुनाथ राम कहो या भगवान श्री कृष्ण करो, जब बुरा समय आता है तो भगवान के सिवा हमारा और कोई साथ नहीं देता। चित्रकार डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना ने जीवन को करीब से देखा और सुंदर रंगों के माध्यम से प्रकृति, रिश्तों का ताना बाना, महिलाओं की अभिव्यक्ति और पशु प्रेम को एक अलग अंदाज से चित्रित किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक सुंदर तस्वीर बनाई जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थी। एक वुमेन होने के नाते हम लोग बहुत कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, तो वो चीज़ें मेरे अंदर और एक वुमेन कितनी पावरफुल है, उस चीज़ को मैं अपनी पेंटिंग में दिखाना चाहती हूँ, जिसके वजह से वो जो डिस्ट्रैक्ट नज़रें हैं, जो जलिसी वाली या जिस भावना से भी नज़रें होती हैं, उन सब नज़र को मैं दिखाती हूँ नेगेटिविटी की तरफ से। मेरी पेंटिंग में नेगेटिविटी भी है एंड पॉजिटिविटी भी है, तो नेगेटिविटी को मैं नज़र से जोड़ के बनाती हूँ और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे गॉड पे विश्वास करना है, उस चीज़ को लेकर के मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरी पेंटिंग भी वो है। मैं पेंटिंग बेसिकली हमारा फैमिली लाइफ और ग्रीन नेचर के साथ हमारा जो बॉन्डिंग है, और हम लोग जो इतना सारी ऑब्स्ट्रक्शन प्लस
खुशी फैमिली के साथ लेके एडजस्ट करते हैं, तो वही मैं हमारा पेंटिंग के थ्रू मैंने जस्ट इम्प्लीमेंट किया है। ये बड़ा अच्छा लगा शो देख के कि इतने आर्टिस्ट लोगों ने इतना खूबसूरत काम किया है और कलाकारों ने अपने अंतस्थ जो भाव है उनको निकाला है, कैनवस के ऊपर उकेरा है, बनाया है। तो मैं एक कलाकार होने के नाते मैं इनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ और पेंटिंग देखते के साथ लगता है कि हाँ कुछ बात है। चित्रों को जब भी हम चित्रकार की निगाह से देखते हैं तो मनुष्य की वेदना, उसका सौंदर्य और उसके जीवन को अलग अलग रंग कैसे दिए जा सकते हैं, ये चित्रकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। रेशमा की रिपोर्ट रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। और आइए अब देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। चित्रकारी का महत्व इतिहास में अपनी एक अलग पहचान रखता है। चित्रकारी हमेशा ही से हमारी संस्कृति और समाज का आईना होती है, साथ ही समाज के उतार चढ़ाव का भी चित्रकारी से अंदाजा लगाया जा सकता है। या यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चित्रकारी एक तस्वीरी जबान है जो हर दौर में बोली जाती रही है। एक ऐसी ही सुंदर चित्र प्रदर्शनी दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प सोसाइटी यानी आईफेक्स में आयोजित की गई, जिसमें चित्रकार ने जीवन के हर पहलू को दिखाने की कोशिश की है। चित्रकार डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना ने जीवन को करीब से देखा और सुंदर रंगों के माध्यम से प्रकृति, रिश्तों का ताना बाना, महिलाओं की अभिव्यक्ति और पशु प्रेम को एक अलग अंदाज से चित्रित किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक सुंदर तस्वीर बनाई जो दर्शकों को अपनी ओर खींच रही थी। चित्रों को जब भी हम चित्रकार की निगाह से देखते हैं तो मनुष्य की वेदना, उसका सौंदर्य और उसके जीवन को अलग अलग रंग कैसे दिए जा सकते हैं, ये चित्रकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता। एक कवि अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से अपने दिल की बात कहता है, और अगर एक चित्रकार की बात करें तो चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से, अपनी कूची के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाता है। लेकिन अगर एक अच्छी कविता की बात की जाए तो अच्छी कविता वही है जिसे सुनकर या पढ़कर आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाती है, और एक अच्छी तस्वीर वही है जिसे देखकर शेर कहने को जी चाहे या फिर कविता कहने को जी चाहे। और इसीलिए किसी ने कहा है, रंग बातें करें और बातों से खुशबू आए। मैं रेशमा, कैमरामैन सनी कालरा के साथ। 2021 में पद्मश्री और कई पुरस्कारों से अलंकृत उस्ताद गुलफाम अहमद का कहना है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। 7 साल की उम्र में गुलफाम अहमद ने रबाब बजाना शुरू किया और उसके बाद प्रशिक्षण शुरू हुआ सरोद वादन का। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया और तब से लेकर आज तक देश ही नहीं पूरा विश्व उनकी प्रतिभा का लोहा मान चुका है। लखनऊ घराने में सरोद वादन की एक लंबी परंपरा रही है और गुलफाम अहमद इसी घराने की 7वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए करते हैं गुलफाम अहमद से एक खास मुलाकात। सरोद और रबाब के माहिर विश्व प्रसिद्ध गुलफाम अहमद खान आज हमारे साथ मौजूद हैं रंग तरंग में। गुलफाम अहमद खान जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपसे ही हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी कि रबाब और सरोद, जो कि एक बहुत ही पुराना साज है, बहुत ही पुराना वाद्य यंत्र है, इसके साथ आपका ताल्लुक, आपका जुड़ाव कैसे शुरू हुआ? 7 साल की उम्र से हमारे फादर ने हमें पहले रबाब शुरू कराया, 1 साल रबाब बजाया, उसके फिर बाद शुरुआत किया सरोद से, और फिर सरोद भी बजाते रहे कभी बीच बीच में,
रवाब भी बजाते थे, लेकिन 2002 से फिर रवाब हमने कंटिन्यूटी किया और आज पंजाब में जितनी भी कीर्तन में लोग अपना रवाब बजा रहे हैं सारे मेरे स्टूडेंट हैं। 7 साल की उम्र में आपने तरबियत लेना शुरू की, ट्रेनिंग आपकी शुरू हुई। घर में कैसा माहौल था उस वक्त, किस किस तरह से संगीत को बढ़ावा दिया जाता था या किस अंदाज में ट्रेनिंग दी जाती थी? मेरे फादर जो थे उस्ताद इश्तियाक अहमद खान, वो सुबह उठ के रियाज करते थे और उनके पास काफ़ी शिष्य आते थे, तो घर में एक माहौल था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं बजाऊं और उन्होंने मेरी माँ से कहा था जिस दिन ये बजाएगा तो हिंदुस्तान में एक अकेला ये होगा। उसके बाद उनकी डेथ हो गई, वो जो उनके आंसू हैं वो आज तक मेरे जहन में बसे रहे। फिर मैंने रियाज करना शुरू किया और करते करते आज ऊपर वाले ने इस काबिल कर दिया है। सूफी कलाम जो आपका है उसके बारे में हमारे दर्शक ज़रूर जानना भी चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। सबसे खुशी की बात है 2007 30 मार्च को 200 साल के बाद रवाब पे कीर्तन हुआ था गोल्डन टेंपल में, जो मेरे स्टूडेंटों ने किया था। देखिए संगीत जो है ना, ये हमें मोहब्बत सिखाता है, प्यार सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता। बड़ी अच्छी पंक्ति है मैंने जो किशन जी के ऊपर लिखी है, रास रचाए धूम मचाए करता ऐसे काम, तेरी लीला तू ही जाने, जाने क्या इंसान, मस्त कलंदर गाता जाए। मैं आपको गा के सुना दूँ। जाने क्या इंसान, मस्त कलंदर गाता जाए कलंदर, कोई जाए कोई जाए मंदिर में और कोई दे आजान, कोई जाए गिरजा में और बोल कोई सतना, मस्त कलंदर गाता जाए मस्त कलंदर। जैसे कि आपने बताया जिस ज़माने में आपने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और 7 साल की उम्र से सीखना शुरू किया, उस वक्त लड़कियों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता था संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आज कैसा माहौल है? आज अल्लाह का शुक्र है कि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं और संगीत में तो बहुत आगे हैं, और ये सब श्रेय जाता है उन लड़कियों को ही और उनके माँ बापों को, वो अपनी बच्चियों को सिखाते हैं। मेरे घर में अब बहुत सारे हैं जो सीख रहे हैं, गाना भी सीख रही हैं, रवाब सीख रही हैं, सरो सीख रही हैं, मेरे घर की बच्ची। और बड़ा अच्छा लगता है अब कि लड़कियां आगे आ रही हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक ज़माने में ना लड़कियों को बड़ा दूर रखा जाता था गाने से बजाने से डांस से, नहीं नहीं बुरा मानते थे। आज तो लड़कियों में खुद इतना शौक़ जागा हुआ है कि वो चाहती हैं हम सबसे आगे हम हो जाएँ। आपने अफ़गानिस्तान में 5 साल का एक काफ़ी लंबा अरसा बिताया है, उस दौरान आपने कितनी इच्छा देखी लोगों में, कितना शौक़ देखा, आपने वहाँ पर कितने लोगों को सिखाया और आपके छात्र इस समय पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर हैं? अफ़गानिस्तान में 5 साल जो मैं रहा वहाँ 185 के करीब स्टूडेंट, जो अब कुछ जर्मनी में, अमेरिका में, कुछ ईरान में भी हैं जिनके अभी फ़ोन आते हैं और मुझसे सीखते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि ये राग क्या। हिंदुस्तानी जो राग है ना मेरा संगीत, ये ऐसा जैसे मैं कोई राग बजाता हूँ, या मैं रोज़ बजाऊँगा राग वही होगा लेकिन उस दिन फीलिंग बदली हुई होगी। अगर अच्छा मूड है तो बहुत अच्छा बजेगा, और अच्छा मूड है तो और अच्छा होगा, और फिर ये सुनने वालों पर बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे सुनने वाले होते हैं ना मज़ा लेते हैं तो और मज़ा आता है बजाने में और सुनाने में। संगीत खुद एक मज़हब है और मैं ये चाहता हूँ जो संगीत से जुड़े हैं ना वो मज़हब को ना देखें, वो संगीत को मज़हब ले लें तो काम हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत बात कही गुलफाम अहमद खान जी ने कि संगीत खुद एक मज़हब है और ये मज़हब है प्रेम का, मोहब्बत का, इबादत का। मार ले बुले
यही तो हैं वो कला साधक जिनकी कठिन तपस्या और मेहनत ने भारत की कला संस्कृति को यूं ही जिंदा रखा हुआ है। तो इन्हीं से सीखने की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि कला के किसी ना किसी रूप से खुद को ज़रूर जोड़े रखिए। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।